राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं सभी? स्वागत है आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। यहाँ मैं साबुदाने की खीर बना रही हूँ। पहले मैंने साबुदाना 3-4 बार धोकर ना एक कटोरी में रख दिया था। मैं खीर बनाने न मन कर रहा था, थोड़ा ना साबुदाने की खीर को मन कर रहा था, मैं चल साबुदाने की खीर बना लेते हैं। मैंने साबुदाने को 3-4 बार धोकर ना उसका जो स्पेस पे स्टार्च सा है वो निकाल दिया था। हर एक घंटे खातर भी घोल कर रख दिए थे। फिर थोड़ा है ना यूँ बोझ कर देख लिए थे, अच्छी तरह मैश हो रहे थे। फिर एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी लेकर काजू और बादाम रोस्ट कर लिए मैंने। रोस्ट करे पीछे अच्छी सी खीर में खाओ ना तो अच्छा है, उसका फिरवा कच्चापन सा नहीं रहता। फिर उसी घी में मैं साबुदाने को लगी थी करने। ये चिपके नहीं, खीर बनाई जैसे कई कह देते हैं ना हमारी खीर नहीं बहुत अच्छी बनती, वो चिपक सा चिपका चिपका होता है। क्यों धोते भी एक बार हैं साबुदाने को, हमेशा 3-4 बार धोना चाहिए, जो स्टार्च है वो निकल जाओ। फिर इसको भिगोवा है तो वो बिल्कुल अकेला एक एक पीस हो जाता है। तो थोड़ा है उसी घी में रोस्ट करके ना फिर दूध डाल दिया था गर्म करके, दूध गर्म हो रहा था साथ के साथ ही, तो मैं ये खीर लग रही है अपने बनाने। टाइम नहीं लगता और एक एक दाने की बिल्कुल अच्छी खीर बनती है। कई बार बनाती हूँ मैं तो व्रत में भी, वैसे भी मन कर जाए तो चावल की बजाय तो ये मेरे को साबुदाने की अच्छी लगे आकर। ये थोड़ा है केसर भी घोल रखा था दूध में ही, गर्म दूध में, तो वो डाल दिया। थोड़े रोस्ट करे हुए ड्राई फ्रूट थे जो वह डाल दिए थे। मैं चीनी की जगह हमेशा खांड ही डालती हूँ, चीनी कम ही यूज़ करती हूँ, देसी खांड डाल देती हूँ। देसी खांड डालने के बाद भी अच्छी बनती है चीज़। ये जन्माष्टमी का रात का प्रोग्राम है, जो इनकी अपनी आवाज़ होगी, जो गा रहे हैं गायक आए हुए हैं, बस वो सुनाऊंगी, डीजे वाला नहीं सुनाऊंगी। कॉपीराइट का चक्कर होता है ना, इसलिए कहीं कहीं अपनी आवाज़ देनी पड़ेगी। ये जब नंद बाबा रात को कन्हैया पैदा हुआ था तो उस टाइम लेकर जा रहा है, तो उस टाइम का दृश्य सीन ये बना के दिखा रहे हैं, वो सीन रिक्रिएट कर रखा है। जो झांकी वगैरह निकाल रहे थे अच्छी थी, अच्छा प्रोग्राम था। Oh,
अच्छा प्रोग्राम कर रखा था मंदिर में, बाहर से पलाये हुए थे करने वाले। ये जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आता है तो तब दीवार पालों को बोल रहा है, रे दीवार पालो कन्हैया से कह दो दर पे उसके सुदामा खड़ा है। तो बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छा लगा देख के। फिर कृष्ण का मिलना, गले लगाना बहुत बढ़िया था। हेलो जी, राम राम, नमस्ते, क्या हाल है? बारिश की आवाज़ आ रही होगी, हमारे तो आज बारिश आई हुई है। सुबह से लग ही रहा था ना जैसे बारिश आएगी, आ ही गई। और जन्माष्टमी सबकी किसी मनी बढ़िया मनी होगी। आजकल तो अच्छे प्रोग्राम हुआ है मंदिर में, कीर्तन कीर्तन जाके काफ़ी टाइम पास हो जाओ है, जाके वहाँ बैठे हैं तो पहले कुछ नहीं होया करता। पर अब बर्ती भी ज़्यादा रहने लगी, पहले हम बर्ती रहा करते तो जिस तरह गांव में रहा करते, हमारी माँ कहते हैं रोटी खा लो छिके के नीचे बैठ के, ना चौखट के नीचे बैठ के ना वो बर्त माना जाओगा। पर ये तो देखे छोटे से छोटा बच्चा भी बर्ती रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही रहने लगे ना। तीज त्यौहार मनाने तो कुछ ज़्यादा ही उससे लगे, आप लोग ज़्यादा ही एक्साइटमेंट रहे हैं। ये हमारी माँ दा बात चल रही है मंदिर की, पूछे है मंदिर में किसा प्रोग्राम होया था, किस टाइम आए। तो मैं 1 बजे 1:15 बजे आए थे, चांदू भी नहीं देखना था, बादल हो रहे थे, तो वही चल रही थी बातें। थोड़ा तेज तो बोलना पड़ा है, थोड़ा इन्हें थोड़ा ऊंचा सुना है। गामा में तो गाय ले है, इतना चांद लकड़ा है। तो रोमांदर का चक्कर बनते सारा ही सेक्टर था जितना भी है।